भारतीय टीम जुलाई और अगस्त में वेस्टइंडीज को दौरा कर सी और इस दौरा पर भारतीय टीम टेस्ट और वनडे का सागे सागे T20 की सीरीज भी खेल सी, जैसे की सबने बेरो की टेस्ट और वनडे के लिए टीम पहले घोषित हो चुकी और अब T20 के लिए भी टीम घोषित हो गई है। तो इस वीडियो में मैं थाने T20 की टीम बता सूं, इससे पहले थे वीडियो लाइक करियो और चैनल ने सब्सक्राइब भी करियो। सबसे पहला बात करें कप्तानी के लिए, तो BCCI ने T20 की कप्तानी एक बार फिर से हार्दिक पांड्या के हाथ में देनी है। हार्दिक पांड्या जो की दिन ब दिन T20 में बहुत ही अच्छा करते जा रहे हैं और IPL हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो, सब में हार्दिक पांड्या कप्तानी सर्वश्रेष्ठ की बोल रही है। IPL में भी हार्दिक पांड्या गुजरात की टीम ने पहले सीजन जिताए हो और भी कसा गई, दूसरे सीजन में भी गुजरात ने फाइनल में लेगो और जीता रह गई। हार्दिक पांड्या के बाद में उप कप्तान की बात करें तो उप कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बनाए हुए हैं और T20 सीरीज से BCCI ने कोहली और रोहित शर्मा जैसे जूनियर खिलाड़ी ने आराम दिए है। ये खिलाड़ी टेस्ट और वनडे सीरीज ही खेलेंगे सिर्फ। और अगर T20 में नए खिलाड़ी की बात करें तो T20 में ऋतुराज गायकवाड, यशस्वी जायसवाल और CSK को मेन बॉलर मुकेश कुमार ने भी अब T20 टीम में जगह मिल गई है। तो अब T20 सीरीज देखना होगा कि इन तीन खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी डेब्यू कर सके हैं। वेस्ट इंडीज के साथ में 5 मैच की T20 सीरीज होनी है और यह T20 सीरीज 3 अगस्त से शुरू होगी। और अगर मैं पूरी टीम को स्क्वाड के बारे में बात करूं तो पूरी टीम का नाम थाने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाऊंगा, बड़े से जाके पूरी टीम के बारे में जानकारी ले सको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो चोखा लगी हो तो वीडियो लाइक करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो।